नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है अजय और आप मिथिला लाइव देख रहे हैं। अभी हम मधुबनी लोकसभा के सिंहवाड़ा प्रखंड में है, जो केवटी विधानसभा के अंतर्गत आता है। बूथ नंबर 76 है। यहाँ पर पता चला है कि सुबह से ही मतदान कर्मी अपना डेरा जमाए बैठे हैं। भला हालांकि रात में ही ये लोग पहुँच गए पूरा मतदान केंद्र। जो मतदान करने की जो भी होती प्रक्रिया होती है, वो पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। हालांकि देश में एक अलग उत्सव है जो यह एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के वोटरों ने वोट करने से अपना नकार दिया है। क्योंकि यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ कोई मुख्य मार्ग ऐसी नहीं है जो रोड कनेक्टिविटी ब्लॉक से हो, जिला से हो, जो अच्छे मुख्य मार्ग से अच्छे रोड का कोई रास्ता हो, जो हम लोगों को यहाँ कुछ भी सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिल रही। इसलिए हम लोग रोड नहीं तो वोट नहीं करके ये लोग बहिष्कार कर दिया। और अभी तकरीबन 9 बजने जा रहा है और अभी तक एक भी वोट यहाँ के मतदाताओं ने यहाँ नहीं गिराया। हालांकि पूरे ऑफिसर यहां मौजूद हैं, सभी पुलिसकर्मी जो भी अधिकारी हैं सब यहां मौजूद हैं। उनका साफ कहना है कि यहां के लोगों के द्वारा साफ बायकॉट कर दिया गया। आइए हम जानते हैं वीडियो में जो क्या परेशानी है यहां के लोगों की और क्या दिक्कत आई है, जो इस तरीके का ऐन मौके पर वोट का बहिष्कार किया गया। मामला क्या है कि यहाँ रोड नहीं है तो वोट नहीं है। आज तक इतना दिन इलेक्शन हुआ, एक भी जो है पदाधिकारी या चाहे कोई भी हो यहाँ बोलता है रोड नहीं, वहाँ जाएंगे क्यों? आज तक जो कैंडिडेट है कैंडिडेट नहीं यहाँ पहुँचा है। बीएलओ जो है बीएलओ अभी तक एक भी पर्ची नहीं दिया है, गांव में एक भी पर्ची नहीं दिया, 10 पर्ची को काट के फेंक दिया है। वोट जो जनून है उसका कार्ड प्रेजेंट है मेरे पास, आके कोई भी वेरीफाई कर सकता है। आखिर आप लोगों ने वोट का बहिष्कार किया किस? वोट का बहिष्कार किया कि हम लोग को जो रोड से जोड़ दे। अभी इमरजेंसी हो गया, अभी बारिश हो रहा है, किसी को अगर डिलीवरी परसेंट होगा किस रोड से अगर निकलेगा इधर से वो जवाब दे। रोड नहीं तो वोट नहीं, नहीं पुल भी हम लोग का मांग है, वहाँ पुल दे दे, हम लोग जुड़ जाएंगे। पुल नहीं है, क्या मुद्दा है? आप लोग भी एक बैनर लेके खड़े हुए, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड चाहिए, रोड नहीं है इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं जी। पुल नहीं है इसलिए नहीं दे रहे हैं। क्या मामला है? आप लोग भी तो वोट नहीं कर रहे हैं? हम लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए कि देश को आज़ादी हुए हो गया 78 बरस, मगर ब्रिटिश इससे अच्छा शासन करके गया, जो आज तक मतलब पहले से ऑलरेडी है। भरवारा से ननौरा रोड था, मगर आज तक कोई सांसद विधायक उलट के नहीं देखा। अच्छा, मतदान में काफी देरी हो चुकी है, सुबह से ही मतदान करना था, यहाँ कोई अधिकारी अभी तक कोई सूचना नहीं मिला, यहाँ कोई अधिकारी भी नहीं आया। हम लोग रोड नहीं तो वोट नहीं सीधा। तब से कोई अधिकारी आए हैं यहाँ? अब तक तो नहीं आया है। आगे जो कौन गाँव है? ये चमनपुर गाँव है, पंचायत में पड़ता है, आगे तो पश्चिमी क्यों बहस कर दिए, बहिष्कार कर दिए वोट का? अरे वोट नहीं तो वोट नहीं, हम लोग जिंदगी भर से हिलते रहते हैं, इसलिए यहाँ से हम सब मिल कर टिकट देते हैं, लेकिन कोई यहाँ का देश सुनवाई नहीं है। आप लोग जो सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सुनवाई नहीं लेते आप लोग, उनसे बात नहीं करते हैं? करते हैं लेकिन नहीं सुनवाई है, यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है। क्या लगता है इस तरीके की आते हैं माइंग मांग आपकी साहब आई है तो देखेंगे यहाँ का स्थिति है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी यहाँ के लोग रोड के लिए आज तक दिक्कत कर रहा है। दूसरा बात है कि हम लोगों का ब्रिटिश समय का पुल है और निंगरा ऐसे 75 से ऐसे 93 मांग करते हैं, लेकिन कोई प्रतिनिधि आज तक सुना नहीं, वोट ले करके और यहाँ से ठप के हम लोग को चल जाता है, लेकिन काम नहीं करता। क्या लगता है वोट का बहिष्कार करने से इससे कुछ सुनवाई होगी? एकदम सुनवाई होगी, हम लोग को तो उम्मीद है। तो आपका अभी तक तो 2 घंटा विलम्ब हो चुका है, लेकिन अभी एक भी अधिकारी है इसका सुध नहीं लिए? अभी नहीं है लेकिन जरूर आएंगे, हम लोग को उम्मीद है कि आएंगे सुध लेने के लिए। क्या लगता है अधिकारी आएंगे तो बात मानेंगे आप लोग? अब जब हम लोग आश्वासन मिलेगा, लिखित आश्वासन मिलेगा तो बात मान जाएंगे। कौन से अधिकारी को यहाँ आना आप लोग? डीएम साहब को, जिला निर्वाची पदाधिकारी। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण ठाकुर। लगभग कितना बार आप वोट गिरा चुके होंगे? अरे 80 वर्ष तो हो गया हो, 80-85 वर्ष, 80-85 वर्ष हो गया। तो इस बार बहिष्कार कर दिया गया वोट का? इस बार हम लोग सब दिन जो तो ऐसा ही जो जंगली आदमी है, जंगल में रहते हैं। क्या लगता है ये जो बहिष्कार किया गया वो उचित है? उचित तो है, हम लोगों का रास्ता चाहिए,
और कुछ नहीं चाहिए, बस रास्ता के लिए बहिष्कार किया गया, बस रास्ता जो है जो हम लोगों का चाहिए। आप बताइए, आकर के देखिए यहाँ जो है जो क्या जो है जो स्थिति है, कहाँ निकलेंगे, क्या जाएंगे, पूर्व जाएंगे तो भी मरते हैं, पश्चिम जाते हैं तब भी मरते हैं, जंगल में इसलिए बहिष्कार कर दिया गया। हाँ, इसलिए यहाँ जो है आकर के हम लोगों का सुरक्षा जो है तो दी, सरकार जो है तो सुरक्षा करे, रक्षा करे। हर बार कहते हैं हाँ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, करते करते सब जो है तो करके कहाँ जो है तो चले गए, फिर भी उनका चेहरा भी नहीं। आप लोग को भी तो जब यहाँ सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, तो उसका बहिष्कार करना चाहिए, तो आप लोग बैठा के माला पहनाते हैं, बस कहते हैं हाँ हाँ हो जाएगा, कर रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा, सब पर्व है, हो जाएगा कर देंगे। अच्छा ला भाई, करते करते जैसे आज तक यही वो जगह है जहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं का बहिष्कार किया गया। हालांकि वीडियो साहब यहाँ मौजूद आए हैं, उनके साथ कई अधिकारी भी आए हैं, यहीं के एक नागरिक हैं जो अभी अपना मतदान किए हैं। हम उनसे जानेंगे कि इन मतदान में दो सवाल उठता है, पहला तो ये सरकारी पद पे किसी पद पे है, सरकारी दबाव में गिराई है, या फिर अपने अधिकार का, अपने मतदान का अपना सही प्रयोग किए। हम इनसे ही जानें, चूँकि इन पे सरकारी दबाव भी पड़ने का सवाल उठता है, चूँकि गांव के सभी लोगों ने बहिष्कार किया है। 1% ये गवर्नमेंट जॉब में है और इन्होंने अपना वोट अभी बहिष्कार के बावजूद भी वीडियो साहब के आने से जस्ट एक मिनट पहले अपना मतदान कर दिया है। क्या मामला था, क्या सच्चाई है इस बीच में? हमको बोला गया था कि अपना वोट रखना गया। कौन बोला गया था, किनके द्वारा बोला गया? क्या किनका फोन, कुछ तो बताए होंगे, कौन अधिकारी थे, क्या दबाव दिया गया था आपको? बोला अपना वोट अपना गिराइए, आप लोग से ठीक है, लेकिन क्या दबाव दिया गया था आपको? आप जब यही बात की तो आप मॉर्निंग में क्यों नहीं गिरा दिए थे? आखिर कुछ तो राज होगा, कुछ तो दबाव दिया, क्योंकि आपका भी कॉल टेस्ट होगा। अब कौन है, कहाँ है, उसको हमको कोई दबाव ना, हमको कोई मालूम ना। किनका कॉल था? लेकिन आप एक सरकारी रोल में हैं, इसीलिए आप ऊपर से कॉल आया तो आप अपना मत दिया। सुबह से ही मतदान होना था, लोगों ने रोड के नाम से बहिष्कार किया, उसके बाद आप आए, आपने क्या आश्वासन दिया जो जनता 5 मिनट में ही आपके वोटिंग करने के लिए तैयार नहीं? मैंने यहाँ लोगों को यहाँ का विरोध हो रहा था, मतदान बताया कि मतदान आपका होता तो किस पर इसका बहिष्कार ना करें, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी छोटी समस्याएं जो लोकल लेवल पर हम लोग सेवा की अन्य समस्याएं उन्होंने बताई, हमने साथ साथ उन्हें आश्वासन दिया कि मतदान के बाद हमारे आपके सामने जो उन्होंने पक्ष रखा वो पहला पक्ष था, आपने भी उसका जायजा लेते हुए क्या बिजली की स्थिति पाया? हाँ, मतदान कहने के रोड की आवश्यकता है और जल्दी हम लोग जिलाधिकारी।